दोस्तों आज मैं आपको पल्सर बाइक का कनेक्टिंग चेक करना सिखाऊंगा। ये पल्सर 180 है। सबसे पहले हम आपको पल्सर 180 का कनेक्टिंग चेक करके दिखाते हैं, उसके बाद पल्सर 150 का चेक करके दिखाएंगे। कनेक्टिंग का साउंड कैसे पता करें? कनेक्टिंग चेक करने के लिए इस तरीके से दो उंगली रखना है और दो उंगली से इसे पकड़ना है। हल्के हाथों से इसे पकड़ना है। ऐसा नहीं कि हम उठा के ज़ोर से रखेंगे, वो नहीं, ताकत नहीं लगाना है आपको। बस बीच में ऐसे जो है पकड़ के रख लेना है। और माइक मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो इस तरीके से पकड़ के जो है चोट मारना है ऐसे। ये कनेक्टिंग जो है बिल्कुल भी पले नहीं है ऊपर नीचे, और साइड पले भी मैं आपको दिखाता हूँ, साइड पले भी बहुत कम है। ये बिल्कुल ज़ीरो है, समझो इतना जो साइड पले है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी कि ये जो कनेक्टिंग रॉड है बिल्कुल ठीक ठाक है। ये अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दो साल तक, तीन साल तक, चार साल तक भी जो है इस कनेक्टिंग रॉड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, ये कनेक्टिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको चोट मारना है दो उंगली से। तो गाइस इसी तरीके से किसी भी बाइक का कनेक्टिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले आवाज़ आपको समझ में नहीं आ रहा कि आवाज़ करता है या नहीं करेंगे, तो खोलने के बाद इस तरीके से आप चेक करें। अगर ऐसे करने पर आवाज़ आता है, ऊपर नीचे पले हैं, तो आपको कनेक्टिंग बदलवाना पड़ेगा।